डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड साइंस, पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 3 कराया था, उसमें थोड़ा रह गया था, वो आपको आज फिर से कराते हैं। लिसन केयरफुली, ध्यान से पढ़िए। हम आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में बता रहे थे, तो अब हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में एक टाइप होता है प्लांट्स इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया कहते हैं जो समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है, समुद्र के सहारे, उसको हम कोस्टल एरिया कहते हैं। तो द प्लांट्स दैट ग्रो इन कोस्टल एरिया आर एडेप्टेड टू ग्रो इन हॉट एंड वेट, यानी समुद्र के किनारे जो प्लांट्स होते हैं वो सर्द और गर्म, हॉट एंड वेट, यानी गर्म और गीले माहौल को एडेप्ट कर लेते हैं वहाँ पे। लाइक कॉन्फेरियस ट्रीज जैसे होते हैं, जो बेसिकली इनको जो हिल्स पे पाए जाने वाले ट्रीज होते हैं उनको कॉन्फेरियस ट्रीज कहते हैं, तो इस तरह के पेड़ यहाँ भी होते हैं। दीज आर ऑल्सो एवरग्रीन ट्रीज, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ ट्री आर टीक, कोकोनट, रबर, तो ये रबर कोकोनट जानते हैं आप, नारियल को कहते हैं, और टीक का पेड़, ये सभी पेड़ जो है कोस्टल एरिया यानी समुद्र के सहारे पाए जाते हैं। प्लांट्स इन मर्सी एरिया, मर्सी एरिया कहते हैं जो दलदल होता है ना, जो क्लेई मिट्टी होती है, महीन मिट्टी होती है और उसमें फिर पानी मिक्स होता है तो दलदल टाइप का बन जाता है, उसे हम मर्सी एरिया कहते हैं। तो द काइंड ऑफ सोयल फाउंड इन मर्सी एरिया इज वेरी क्लेई, मर्सी एरिया में जो पाई जाती है सोयल वो काफी क्लेई होती है। इट वेरी लॉस एंड स्टिकी इन टेक्सचर, टेक्सचर में ये काफी लूज यानी ढीली होती है और चिपकने वाली होती है। इट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग एंट्री ऑफ वाटर बट कैन नॉट होल्ड मच एयर, ये पानी तो काफी रोक लेती है लेकिन ये हवा ज्यादा नहीं, इसमें हवा नहीं एंटर कर पाती है तो हवा नहीं होती है। हिंस द रूट ग्रो एबव द सॉइल टू गेट एयर, इसलिए हवा प्राप्त करने के लिए जो इसकी जड़ें हैं वो सॉइल के ऊपर निकलते हैं, ऊपर फैल जाते हैं। सच टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स, इस तरह की जड़ों को हम ब्रीथिंग रूट्स कहते हैं। दीज रूट्स हैव टिनी ओपनिंग एट द टिप्स, ये जो जड़ें होती हैं वो टिनी ओपनिंग एट द टिप्स, रफ विच गैसेस कैन बी एक्सचेंज्ड, यानी ये छोटी छोटी खुली हुई होती हैं, टिप्स इनमें खुली हुई होती हैं छोटी छोटी, जिससे कि ये गैस को एक्सचेंज कर सकती हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन मर्सी एरिया आर मैंग्रोव, कैरियोप, इस तरह के पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। अब आप आइए प्लांट्स इन ग्रेसी एरिया, ग्रेसी एरिया कहते हैं घास वाले क्षेत्र को, घास वाले एरिया को। प्लांट्स लाइक मैज, ज्वार, बेम्बू यानी बांस, वीट, राइस, ईटीसी आर ग्रेट यूज टू अस, ये हमको बहुत सारे इनके यूज होते हैं, इन चीज़ों के आपने देखी होगी, हम खाना खाते हैं, गन्ने से शुगर बनती है। दीज प्लांट्स बिलोंग टू द ग्रास फैमिली, ये घास के परिवार के प्लांट्स कहलाते हैं। प्रोवाइड फूड फॉर लिविंग बींग्स, जो जिंदा रहने वाले लोगों को भोजन प्राप्त कराते हैं। एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स, अब हम आते हैं एक्वेटिक प्लांट्स किसे कहते हैं, जो पानी में प्लांट्स होते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, जो पानी में ग्रो करते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। दे आर ऑफ थ्री टाइप, फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड वाटर प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स इसके तीन तरह के हैं, देखिए फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट, अंडर वाटर प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स यानी तैरने वाले प्लांट्स, दीज प्लांट्स आर स्मॉल इन साइज, ये साइज में छोटे होते हैं एंड हैव स्पॉन्जी स्टेम, जो इनकी स्टेम होती है वो स्पॉन्जी यानी सॉफ्ट होती है, दबा उसको दबा सकते हैं। स्टेम दैट आर फिल्ड विद लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर ब्रॉड एंड थिन, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो चौड़ी और पतली होती हैं। देयर स्टोमेटा आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी पत्ती के ऊपरी सतह पर एक स्टोमेटा का लेप होता है टू अवॉइड द ब्लॉकेज, जो ब्लॉकेज को रोकता है,
एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स आर वाटर लेटस, डकवीड एंड वाटर लिंच्ड। ये देखिए ये प्लांट्स हैं। अब आप आइए फिक्स्ड वाटर प्लांट्स। फिक्स्ड वाटर प्लांट्स कौन सा होता है? जो फिक्स रहता है। दीज प्लांट्स हैव हॉलो स्टेम। इनकी जो स्टेम होती है वो हॉलो होती है यानी खोखली होती है। एंड ब्रॉड लीव्स और चौड़ी पत्तियां होती है विच हेल्प देम टू फ्लोट इन वाटर, जो इसको पानी में तैरने में मदद करती है। एंड कीप द फ्लोअर एबव द वाटर, और इसको पानी के ऊपर रखती हैं। दीज प्लांट्स यूजली ग्रो ऑन मडी बैंक्स, यानी जो दलदली किनारे होते हैं, ये वहाँ पे जैसे गंगा किनारा है इस तरह के वहाँ पे, एंड सैलो वाटर और कम पानी होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, जैसे कि वाटर लिली एंड लोटस। आपने कमल का फूल देखा होगा, कहते हैं ना कमल कीचड़ में खिलता है। अंडर वाटर प्लांट्स द रूट्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड ड्यू टू एयर स्पेसिस वाइल द स्टेम एंड लीव्स फ्लो विद द वाटर करेंट, यानी पानी के साथ जब इसका स्टेम और पत्तियां तैरती हैं तब इसकी जड़ें जो है फिक्स रहती हैं। नीचे जो मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी होती है, उसमें इसकी जड़ें फिक्स होती हैं। दीज प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर बॉडीज, ये जो प्लांट्स होते हैं अपनी बॉडी के द्वारा सांस लेते हैं, ब्रीथिंग लेते हैं। एंड ऑल्सो क्लीन द वाटर, और पानी को साफ करते हैं बाई रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पानी में से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं तो पानी साफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रिला एंड टेप ग्रासेस, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपने सभी प्रकार के प्लांट्स पढ़ लिए, टेस्ट्रियल प्लांट्स पढ़ लिए, एक्विटिक प्लांट्स पढ़ लिए, टेस्ट्रियल प्लांट्स में जो टाइप होते हैं वो भी आपने पढ़ लिए। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज या एक एक करा देता हूँ। चलो टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। जैसे नीम ट्री ग्रो इन, अब बताइए नीम का पेड़ कहाँ होता है? प्लेन एरिया में, तो आप प्लेन एरिया पर टिक लगा देंगे। द लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स हैव, कैक्टस प्लांट्स हैव इसमें क्या होगा? स्पाइनी थॉर्न्स। नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री ग्रोज इन हिली एरिया? हिली एरिया पर कौन सा प्लांट्स होता है बताइए? देवदार। नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज ब्रीथिंग रूट्स, यानी कौन सा प्लांट्स ऐसा है जिसकी जड़ें सांस लेने वाली होती हैं बताइए। अगर आपको ध्यान हो तो वो उस मिट्टी से ऊपर होते हैं जिससे सांस ले पाएं। ये देखिए मैंग्रोव, तो आपको मैंग्रोव पे टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर वी, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए। सॉयल इन मर्सी एरिया इज बेरी क्लेई, हमने आपको पढ़ाया था। राइस एंड मेज, यानी चावल और मक्का, एग्जाम्पल ऑफ किस चीज के एग्जाम्पल हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जमीन पर उगने वाले प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स हैव, जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम कैसी होती है? स्पॉन्जी, तो यहां पे आप स्पॉन्जी भर देंगे। पाम इज ए प्लांट, कौन सा पाम कैसा प्लांट है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जमीन पर उगने वाला प्लांट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी की एक्सरसाइज कराएंगे, तब तक के लिए।